सो हे गाइस, वेलकम टू लर्न विथ राहुल। तो आज हम बात करेंगे माया एंगलो की फेमस मोटिवेशनल पोएम स्टील आई राइज के बारे में। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं माया एंगलो के बारे में। वो एक अमेरिकन पोएट लॉरेट है। उनका जन्म हुआ था 4 अप्रैल 1928 में और उनका मृत्यु हुआ था 28 मई 2012 में। सो अब बात कर लेते हैं सम अदर पोएम्स बाय माया एंगलो। नंबर वन, ए ब्रेव एंड स्टार्टलिंग ट्रूथ। नंबर टू, ए कॉन्सीट। नंबर थ्री, ए प्लैग्ड जर्नी। नंबर फोर, एंट दैट बैड। नंबर फाइव, अलोन। अब बात करते हैं स्टील आई राइज की पब्लिकेशन डेट के बारे में। एंड स्टील आई राइज इज ऑथर माया एंगलोज थर्ड वॉल्यूम ऑफ पोएट्री, पब्लिश्ड बाय रैंडम हाउस इन 1978। ये पोएम में माया एंग्लो एक निग्रो ऑथर है। इस पोएम में मी और आई, ये निग्रो समझ का उल्लेख करता है ये दो शब्द, और दूसरी तरह यू जो शब्द है उसमें उन्होंने गोरे लोगों के बात किया है जो निग्रो यानी काले लोगों पर टॉर्चर करते हैं और निग्रो लोगों को अपने गुलाम बनाते हैं। अब बात करते हैं इस पोएम के बारे में लाइन बाय लाइन। यू मे राइट मी डाउन इन हिस्ट्री विद योर बीटर ट्विस्टेड लाइज। यू मे ट्रॉट मी इन द वेरी डार्ट बट स्टील लाइक डस्ट आई विल राइज। फर्स्ट लाइन पे ऑथर ने कहा है घोड़े लोगों से कि तुम चाहो तो मुझे इतिहास पे बुरा भला कह सकते हो, झूठी बातें भी लिख दो, या फिर तुम मुझे धूल की तरह कुचल दो, फिर भी मैं ऊपर उठूंगा जैसे धूल ऊपर उठता है। इन लाइनों की तरह पोएट ने एक मोटिवेशनल मैसेज दी है कि तुम मुझे रोक सकते हो या हरा सकते हो, लेकिन मेरी विल या इच्छा शक्ति को नहीं हरा सकते हो। डज माई सैसीनेस अपसेट यू? व्हाई आर यू बीसेट विथ ग्लूम? कॉज आई वॉक लाइक आई हैव गॉट ऑयल वेल्स पंपिंग इन माई लिविंग रूम। निग्रो पीपल हमेशा हैप्पी और टेंशन फ्री रहते हैं। पोएट ने कहा हमारा ये अच्छी बिहेवियर क्या आपको अपसेट कर रही है, और हम ऐसे रहते हैं कि हमारे पास ऑयल वेल्स हो, किसी चीज़ की कमी हम फील नहीं करते। जस्ट लाइक मून्स एंड लाइक सन्स विद द सर्टेनिटी ऑफ टाइड्स, जस्ट लाइक होप स्प्रिंगिंग हाई स्टिल आई विल राइज। जैसे चांद और सूरज उगता है, जैसे समुंदर की लहरें आगे बढ़ती है, जैसे हमारी इच्छाएं ऊपर बढ़ती है, वैसे ही मैं आगे बढ़ूंगी। डिड यू वॉन्ट टू सी मी ब्रोकन, बोर्ड हेड एंड लोअर्ड आईज, शोल्डर्स फॉलिंग डाउन लाइक टीयर ड्रॉप्स वीकेंड बाय माई सोलफुल क्राइज। अब पोएट ने जूम करने वाले लोगों से कहा है तुम क्या चाहते थे, यही ना कि हम लोग टूट जाए, हमारे आँखें और शेर हमेशा तुम्हारे सामने झुके हो, हमारे कान झुक जाए जैसे हमारे आँखों के आंसू गिर रहे हैं, और तुम ये भी चाहते थे कि हमारे सोल तक वीक हो जाए। डज माई हॉटिनेस ऑफेंड यू? डोंट यू टेक इट ऑफ फुल हार्ड, कॉज आई लव लाइक आई हैव गॉट गोल्ड माइंस डिगिंग इन माई ओन बैकयार्ड। क्या हमारे हॉटिनेस या प्राउड होके जिंदगी जीने से तुम ऑफेंड हो रहे हो? आप इसे इतना भी बुरा मत समझो कि हम आपके सामने नहीं झुक रहे हैं, क्योंकि हमारा बिहेवियर ऐसा होता है कि हमारे घर के पीछे गोल्ड माइंस हो। यू मे शूट मी विद योर वर्ड्स, यू मे कट मी विद योर आईज, यू मे किल मी विद योर हेटफुलनेस, बट स्टील लाइक एयर आई विल राइज। तुम चाहे जितना बुरा शब्द हमें कह दो, चाहो तो नफरत की आंखों से हमें देखो, और चाहे तो हेटफुल बिहेवियर से हमें ट्रीट करो, फिर भी हम हवा की तरह आगे बढ़ते जाएंगे। डज माई सेक्सीनेस अपसेट यू? डज इट कम एज ए सरप्राइज दैट आई डांस लाइक आई हैव गॉट डायमंड्स एट द मीटिंग ऑफ माई थाइज? यहाँ पे पोएट फीमेल्स के लिए
कह रहे हैं, क्या उनकी जवानी आपको अपसेट कर रहा है? क्या ये देख के आप सरप्राइज हो रहे हो? क्या मुझे डांस करते देख के आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे थाइस के बीच में डायमंड्स हो? आउट ऑफ द हार्ट्स ऑफ हिस्ट्री सेम आई राइज अप फ्रॉम ए पास्ट दैट्स रूटेड इन पेन आई राइज आई एम ए ब्लैक ओशन लीपिंग एंड वाइड वेलिंग एंड स्वेलिंग आई बियर इन द टाइड। अब पोएट ने कहा है, मैं केयर नहीं करता हिस्ट्री में क्या हुआ, मैं आगे आऊँगा। अपने आप को उन्होंने ब्लैक ओशन कहा है, समुंदर की लहरों की तरह वो भी आगे बढ़ेंगी। लिविंग बिहाइंड नाइट्स ऑफ टेरर एंड फियर आई राइज इनटू ए डे ब्रेक दैट्स वंडरसली क्लियर आई राइज ब्रिंगिंग द गिफ्ट्स दैट्स माय एंसेस्टर्स गेव आई एम द ड्रीम एंड द होप ऑफ द स्लीप आई राइज आई राइज आई राइज। पास्ट में जितना भी जूम हुआ था उन सब को छोड़ के मैं आगे बढ़ूंगी और सब कुछ भुला कर नई दिन की शुरुआत करूंगी। जो गिफ्ट्स हमारी पुरखों ने दिया है वो आज भी हमारे पास है। पुरखों के सिखाया हुआ सारा अच्छी चीज़ों के साथ मैं स्लेव्स यानी निग्रोस को आशा देती रहूंगी और आगे बढ़ती रहूंगी, आगे बढ़ती रहूंगी, आगे बढ़ती रहूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। सो लव यू गाइस, टेक केयर, बाय, ओवर एंड आउट।